गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ एक नया चैप्टर जो कि है केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल। आज से हम अल्कोहल को डिटेल में स्टडी करेंगे, अल्कोहल्स की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नोमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको अल्कोहल का इंट्रोडक्शन कवर करूंगी कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, बेसिकली मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रेट क्या होते हैं, ये चीज़ें कवर करूंगी। एक छोटा सा डिफरेंस फिनॉल एंड अल्कोहल के बारे में जो है वो भी कवर करूंगी। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अल्कोहल की बात करें तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं और तुरंत बता देते हैं कि वो अल्कोहल है। तो हमें कैसे पता चलता है? कुछ ना कुछ उसका फंक्शनल ग्रुप रहता है तभी तो हमें पता चलता है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आता है ROH, तो हम क्या बोल देते हैं, बिना सोचे समझे, मतलब सोच के तो बोलते ही हैं क्योंकि हमें पता है कि जो ROH है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का। अब यहाँ पर जो R है, R में भी अराइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे जो R है वो अराइल ग्रुप भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो CH3OH, ये भी क्या है, हमारा अल्कोहल है। और अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास तो ये भी क्या है, अल्कोहल है। तो यहाँ पर जो R है वो दोनों ही कंडीशन में हो सकता है, अराइल और अल्काइल, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मेन जो रोल है वो किसका है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है, OH ग्रुप का है। तो जैसे जैसे OH ग्रुप का नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे अल्कोहल का नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि किसी भी स्ट्रक्चर में एक OH ग्रुप है, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस तरीके का है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं CH3OH, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक OH ग्रुप यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो ऐसे अल्कोहल को बोलते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये जो अल्कोहल होते हैं कौन से होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिनमें क्या होता है, एक OH ग्रुप होता है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही OH ग्रुप, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मिले, स्ट्रक्चर तो आपको इस तरीके का भी मिल सकता है, CH2OH। अभी अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इस तरीके का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके के अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस तरीके के अल्कोहल को बोलते हैं हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन मान लीजिए कि अगर दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, या फिर तीन से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो जब भी तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो हम उसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और या फिर हम उसको बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यानी कि अगर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जैसे स्ट्रक्चर बना के मैं आपको समझाती हूँ, जैसे CH2OH, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH आएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जब भी तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तीन से ज़्यादा होंगे तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आया अल्कोहल के बारे में, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड करता है कि वो जो अल्कोहल है वो मोनोहाइड्रिक होगा, डाईहाइड्रिक होगा, या फिर वो ट्राईहाइड्रिक होगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं वो टू टाइप्स के कैसे होते हैं, चलिए मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाती हूँ। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड टू टाइप्स के कैसे होते हैं, पहले तो होते हैं इस तरीके के, यहाँ पे CH2OH, पहले तो होते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप देखिए कि जो OH ग्रुप है वो क्या है, एक साइड चेन से अटैच्ड है, मतलब OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड नहीं है, वो कहाँ है, वो एक साइड चेन से अटैच्ड है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं इनको बोलते हैं हम एरोमेटिक अल्कोहल।
इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? व्हेन ओएच ग्रुप इज अटैच्ड टू द साइड चेन नॉट अ रिंग इज नोन एज एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये एरोमेटिक अल्कोहल है क्योंकि जो ओएच ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड नहीं है, वो किससे अटैच्ड है? साइड चेन से अटैच्ड है। तो इनको बोलेंगे हम एरोमेटिक अल्कोहल। अब दूसरे कौन से होते हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। हाइड्रोक्सी कंपाउंड मतलब दोनों में ही OH ग्रुप रहेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों में ही रहेंगे, लेकिन फिर भी दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट किसके बेस पर है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कि जैसे आपने देखा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइड चेन से अटैच्ड है, डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड नहीं है। अभी दूसरे जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे ये है बेंजीन और इससे डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच्ड है। अब ये जो होते हैं जिनमें क्या होता है कि OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है रिंग के साथ, इनको हम बोलते हैं फिनॉल्स। यानी इनको फिनॉल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो OH ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, वो किसी साइड चेन से अटैच्ड नहीं है। तो इनको हम अल्कोहल नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं फिनॉल। तो ये ही था एक छोटा सा डिफरेंस अल्कोहल और फिनॉल के बारे में, कि यहाँ पर भी हमें OH ग्रुप दिख रहा है बट इनको हम अल्कोहल नहीं बोलेंगे बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो डायरेक्ट अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग इट इज नोन एज फिनॉल, एंड व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द साइड चेन नॉट अ रिंग इट इज नोन एज एरोमेटिक अल्कोहल। तो समझ में आया आपको कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड दो तरीके के, किस तरीके के होते हैं? दो तरीके के इसलिए होते हैं, टू टाइप्स के, क्योंकि एक होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल और दूसरे होते हैं फिनॉल। उन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस सिर्फ पोजिशन का है कि कहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। अगर वो डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है दैट मीन्स वो अल्कोहल है, एंड वो साइड चेन के थ्रू अटैच्ड है दैट मीन्स वो एरोमेटिक अल्कोहल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? इसके अलावा मैं आपको प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बताती हूँ, सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं। अगर हम बात करें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, तो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया कि दोज अल्कोहल विच कंटेन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यानी जिनमें सिर्फ एक OH ग्रुप होता है उनको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, किसकी? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इतना तो आपको पता है कि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मेनली थ्री टाइप्स हम इसमें पढ़ते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। अब ये प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने नंबर ऑफ कार्बन से अटैच्ड है, उसके बेस पर हम बताते हैं कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी अल्कोहल है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्राइमरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो उसको जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का होता है, RCH2OH। दैट मीन्स कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो मिनिमम एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो वो अल्कोहल क्या होगा? हमारा प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि वन डिग्री। प्राइमरी को क्या बोलते हैं? वन डिग्री भी बोलते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वन डिग्री। तो इसका एक एग्जांपल हम इस तरीके से देख लेते हैं, CH2OH। अब देखिए ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक अदर कार्बन से जुड़ा है, तो इस तरीके का जो हमारा अल्कोहल होता है वो होता है प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि वन डिग्री अल्कोहल। इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर टू। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, ये हमने बात की अभी प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल दैट मीन्स टू डिग्री। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल को हम टू डिग्री भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? के सी एच ओ एच, मतलब OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो मिनिमम टू कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, टू आई ग्रुप होनी चाहिए, तो वो क्या होगा? हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसका एग्जाम्पल
लेके देखते हैं, जैसे यह CH3, एक यह CH3 और ये CH और इससे जुड़ा है OH। तो ये जो हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी अल्कोहल का, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से अटैच्ड है। ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, लेकिन ये वाला कार्बन से जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो डिपेंड करता है उस पर। तो ये दो कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये क्या है, 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अब अगर हम बात करें टर्सरी अल्कोहल की, तो टर्सरी अल्कोहल कौन से होते हैं? टर्सरी अल्कोहल, तो इतना तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसको 3 डिग्री बोलते हैं। और टर्सरी होंगे कौन से? वो अल्कोहल जिनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन एटम से जुड़ा है, जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो कार्बन एटम 3R ग्रुप से, यानी कि 3 कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, COH, ये होता है हमारा टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने आर ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए, वो कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 3। तो ये जो होता है हमारा वो टर्सरी अल्कोहल होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको क्या बताया, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये बताया आपको कि किस तरीके के अल्कोहल होते हैं। इसके अलावा मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, यानी कि प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं ये बताया। और मैंने आपको बताया कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं और वो कौन कौन से टाइप के होते हैं वो भी बताया। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नोमेनक्लेचर डिस्कस करूंगी कि आप अल्कोहल का नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और ये आपको पता ही होनी चाहिए। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको पता हैं तो आप अल्कोहल को आगे स्टडी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।